हेलो गाई स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करेंगे आई के बारे में कि ये क्या होता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और ये कैसे वर्क करता है ओके सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अ गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्ट्स एज द रेगुलेटर एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया ओके सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो कि क्या करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो इंडिया की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करती है और उसको डेवलपमेंट मतलब उसकी डेवलपिंग में हेल्प करती है ओके okay? तो ये एक रेगुलेटर है किसका इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो भी इंडिया में ओके सो आई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑटोनॉमस बॉडी वो होती है जो कि इंडिपेंडेंट हो काम करती है गवर्नमेंट से ओके okay? मतलब उस बॉडी में उस कंपनी मतलब वो जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है पर वो उसमें जो इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट की वो कम होती है जो उसके की पर्सनस होते हैं उस ऑटोनॉमस बॉडी के और जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो भी की पर्सनस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का उसमें उसके डे टू डे ऑपरेशन में कोई उतना रोल नहीं होता है ठीक है तो ये फ्रीली इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं उसको हम ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय पासिंग एन एक्ट इन पार्लियामेंट इसको एक एक्ट पास करके बनाया गया था वो एक्ट क्या है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट नाइन्टीन नाइनटी नाइन ओके नाइन्टीन नाइन्टी नाइन में इसका एक एक्ट पास किया गया था जिस वजह से इसको हम स्टैटुटरी बॉडी भी बोलते हैं जिस भी बॉडी का जिस भी इंस्टीट्यूशन का एक्ट पास करके उसको बनाया जाता है उसको हम स्टैटुट्री बॉडी बोलते हैं एडाई इज द एपिक्स बॉडी ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओके okay, तो ये एपिक्स एपिक्स बॉडी वो होती है जो सबको हेड करती है ओके okay? जो हेड जो हेड बॉडी होती है किसी भी इंडस्ट्री को उसको हम एपिक्स बॉडी बोलते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हेड कौन है एडाई ठीक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाई इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओके okay? सो so, इसका मेन पर्पज़ क्या है जो पॉलिसी होल्डर है उनके इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करना है ओके okay? और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री uh, उसको अच्छे से रेगुलेट करना है द हेड क्वार्टर इज़ इन हैदराबाद इन तेलंगाना ओके सो एडाई का हेड हेडक्वाटर कहाँ हैदराबाद में तेलंगाना में है अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ओके द मिशन स्टेटमेंट ऑफ इडाई इज़ टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर ओके जो भी पॉलिसी होल्डर है उनके इंटरेस्ट यानी कि उनके हित में काम हो उनके उनको किसी भी तरीके से उनके संग कुछ गलत ना हो अनफेयर ना हो सारे जो भी ट्रीटमेंट होते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड सब एक फेयर वे में हो ओके टू रेगुलेट द इंडस्ट्री इन फेयरनेस एंड इंश्योर द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओके अच्छे से इसको रेगुलेट करना है हर चीज फेयरनेस हो कुछ भी बायसनेस ना हो यहाँ पर और एक अच्छा सा फाइनेंशियल साउंडनेस हो ओके okay? कुछ कमी ना हो फाइनेंस की ओके okay? सो so इसको सो so, ये मे इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेटरी फ्रेम रेगुलेशन टू इंश्योर द द इंडस्ट्री ऑपरेट्स विदाउट एनी एम्बिगिटी ओके ऐसे रेगुलेशन फ्रेम करने जिसकी वजह से तो जो इंडस्ट्री है वो एक स्मूद वे में काम करे कुछ गलत ना हो कुछ इधर उधर ना हो अच्छे से स्मूद एक वर्क फ्रेम हो उसमें जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको वो काम करे ठीक है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशन बनाना भी ऑब्जेक्टिव है इसका अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है ओके द एडाई हैज़ आउटलाइन सेवर रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है वो एडाई को पावर देता है कि वो रेगुलेशन फ्रेम कर सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड ओके इट इशूज सर्टिफिकेट टू न्यू इंश्योरेंस कंपनीज जो भी कम, जो भी कंपनी ठीक है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो कौन देता है एडाई देता है सेट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर ठीक है जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशन सेट करना जिसकी वजह से उनके हित में सारे काम हो जो पॉलिसी होल्डर है उनके संग कुछ भी बाइसेंस ना हो मॉनिटर्स दैट ऑल क्लेम्स आर सेटल इन फेयरनेस बे जो भी क्लेम किया जा रहा है ठीक है जितना अमाउंट तक का है वो सही तरीके से जो पॉलिसी होल्डर है उनको पे किया जाए ओके कुछ गलत ना हो जितने का अमाउंट का उन्होंने प्रीमियम प्रीमियम है प्रीमियम सही ढंग से हो रहा है सही अमाउंट तक जा रहा है ठीक है कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं लिया जा रहा कि जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा या फिर कुछ भी ऐसा गलत अगर से क्लेम किया है तो उनको पूरी तरह से उनका भुगतान हो उनके क्लेम का उनके इंश्योरेंस का ये सब देखना भी इडाई का काम है उसको मॉनिटर करना इडाई का काम है रेगुलेट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड अदर एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो जो भी एसोसिएट इंस्टीट्यूट कंपनी जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है उनके लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट बनाना कि आपको किस तरीके से किस वे में किस फ्रेमवर्क में आपको काम करना है ठीक है इट प्रोवाइड सोल्यूशन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट होता है पॉलिसी होल्डर कंपनी के बीच में तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक ओम्ब्समैन बनाया हुआ है जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है ठीक है तो ये एडाई का वर्क है जिसके अंदर ये डिस्प्यूट को सेटलमेंट भी होता है इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ इंश्योरेंस ठीक है तो अब देखो अब रेट ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस का रेट ठीक से होना चाहिए जो उसके ऊपर प्रीमियम है या फिर जो भी इंटरेस्ट है प्रीमियम है वो एक सही एक सही स्टैंडर्ड में हो कहीं ऊपर नीचे ना हो और कुछ भी ऐसा ना हो कि जो एक प्राइस मतलब प्राइस से ज़्यादा हो एक अनवांटेड प्राइस ना हो ठीक है तो ये इसके वर्क्स हैं थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा सो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच